सागरपुर इलाके के सर्वोदय विद्यालय में अचानक से कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जिसको लेकर अभिभावकों को यह आरोप है कि बच्चों को मिड डे मील के बाद कुछ तरल पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की संख्या 40 से ज्यादा बताई जा रही है। अब जरा देखिए तो ये यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में यहाँ बच्चों को लाकर एडमिट किया गया है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल उनके अभिभावक है जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। अभिभावकों का ये कहना है कि बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर, आपका भी बच्चा यहाँ? नहीं, मेरे आपका बच्चा यहाँ? मेरा बच्चा है। कहाँ, मतलब कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? एक्सपायर डेट वो पिलाया गया जूस, उसके बाद बच्चे का बीमार पड़ गया, पेट में दर्द उल्टी महसूस हुआ, उसके बाद फोन आया। फोन आने के बाद हम लोग ड्यूटी से 5 बजे भागे छोड़ छोड़ के, कहीं गिर रहे कहीं पधर रहे, कुछ भी हो जाए हमें बच्चे संभालेंगे अपने आप को संभालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सुनवाई नहीं हो रहा, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर अभी हंगामा कर रहे थे, आप लोगों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है? बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चे यहाँ से हटा दिया गए हैं, यहाँ बच्चे है नहीं। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई क्यों हटाया गया? जानकारी नहीं दिया गया जो बच्चे किस रूम में ले गए, किस उसमें गए हैं। अच्छा, आपके भी बच्चे अंदर? हाँ, मेरा भांजा है। ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ जो बच्चे यहाँ पर रखा गया था उनको हटा दिया? यहाँ हटा गया गया, मैं उधर भागा भागा गया, वहाँ जाके देखा तो चुपके से तीसरे बिल्डिंग पे शिफ्ट किया रखा है। और आप लोगों को कोई जानकारी दे रहा है कि क्यों हटाया जा रहा है, क्या कुछ है? बातें नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, बात ऐसे कर रहे हैं तो गाली करके बात कर रहे हैं, क्या करेंगे ऐसे, कोई बात ही नहीं कर रहा ढंग से। अच्छा, क्या दिक्कत आई है, क्या कुछ पिलाया गया और आप लोगों का क्या आरोप है? वो जूस पिलाया गया ना, जूस पिलाया गया उसके अंदर, और बच्चा उसी टाइम उसको दर्द हो गया, गिर गया। मेरा भांजा, मेरी वाइफ का कॉल आया, मैं ऑफिस में था, मेरी वाइफ का कॉल आया तो मैं गया, छुट्टी लेके मैं ऑफिस से आया। अच्छा, अभी बच्चों की हालत कैसी है, आप लोगों की कोई बातचीत? अभी नहीं मिलने दे रहे मैम, अभी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बातचीत कुछ नहीं, मिल जाने भी नहीं दे रहे अंदर। आपका भी कोई अपना? मेरा भाई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से हैं आप? सागरपुर से, दुर्गापुर। बताइए कि आप लोगों को कैसे जानकारी मिली, क्या कॉल आया? मेरे दोस्त ने फोन करा, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे मम्मी पापा सब जॉब करते हैं, किसी ने मेरे दोस्त ने फोन करा भाई तेरा भाई ऐसे है दीनदयाल हॉस्पिटल में, तो मैं आया दौड़ा, अपनी जॉब भी छोड़ गया, हेलमेट भी है, गाड़ी भी सब साथ में, तो दिक्कतें होपलेस ही हो जाती है सर, ऐसी बात नहीं होती, और अंदर भी किसी को नहीं मिलने दे रहे। कितने बच्चे अंदर? कितने? 600-700 बच्चे हैं, और भी हॉस्पिटल में बच्चे हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कितने बच्चे? इसमें 60-70 बच्चे बता रहे हैं, 60-70 बच्चे यहाँ पर तकरीबन 150 बच्चे इस हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पर इतने बच्चे? अच्छा, कैसे बच्चों को लाया गया और एक साथ इतने बच्चे बीमार? एम्बुलेंस में लेके आया और पीपीसीआर में लेके, तो हॉस्पिटल से वहाँ से स्कूल वालों ने भेजा, और टीचर भी नहीं भेज रहे मिलने भी, टीचर भी नहीं, वो जो बोतल होती है ना वो एस्पायरिंग बोतल दबका दी पूरी। आपका भी बच्चा? हमारे बच्चे उल्टी भी किया है, दर्द भी पेट में हुआ है, बाकी हमारे घर पर फोन नहीं गया है, हमारे बच्चे जैसे तैसे घर पर पहुंचा है, फिर हम घर पर से लेके यहाँ आए हैं हमारे छोटे बच्चे। देखिए, ये सारे अभिभावक हैं जिनका आरोप है कि बच्चों को मिड डे मील के बाद कुछ तरल पदार्थ यानी कि जूस दिया गया था और जूस एक्सपायरी है, जिसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स से आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को उल्टी हो रही है, लगातार उल्टियाँ कर रहे हैं, और दिल्ली के 3 अलग अलग अस्पताल में बच्चों को एडमिट कराया गया। आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर इस सारे आपको जो लोग नजर आ रहे हैं दरअसल ये पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, और अब इनका आरोप है कि बच्चों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, और जो पेरेंट्स हैं उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, और तकरीबन कई ऐसे दिल्ली के 3 अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चों को एडमिट किया गया है। वो जूस जो उनको लिक्विड दिया गया था मिड डे मील के बाद, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई थी, बच्चों को एम्बुलेंस में भरकर यहाँ लाया गया है, और अब परिवार को ये बताया नहीं जा रहा है कि उनको कहाँ शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से परिवार यहाँ पर इस वक्त हंगामा कर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।